हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड बायोलॉजिकल साइंसेज में कितने रैंक पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, और कितने रैंक पे दरभंगा में एडमिशन होगा, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और कितने बच्चे एबसेंट रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ के मानू में बीएड के लिए जो टोटल सीट्स है वो है, टोटल सीट्स कितना है आप लोग को पता ही होगा कि 203 204 सीट है। तो 204 मानते हैं हम, ठीक है, 204 सीटें हैं। अब इस 204 में से अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 82 सीट है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 21 है, ओबीसी 55 है, और एससी का 31 और एसटी का 15 सीट रिजर्व है, ठीक है। तो जो किसी भी कैटेगरी से नहीं आते हैं उनका इसमें एडमिशन हो सकता है, और जो किसी खास कैटेगरी से आते भी हैं लेकिन अच्छा रैंक आया तो उनका भी एडमिशन इसमें हो सकता है, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं जो किसी भी कैटेगरी रिजर्व नहीं थे लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी जो है उसका अगर सर्टिफिकेट उन्होंने बना के रखा है और वो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका एडमिशन इस कैटेगरी में होगा, और साथ ही साथ अगर वो अच्छा रैंक लाते हैं तो उनका एडमिशन इस कैटेगरी में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन से सेंटर पे, कौन से सिटी में कितना सीट है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हैदराबाद में टोटल 31 सीट है, ठीक है, दरभंगा में 31 सीट है, ठीक है, भोपाल में 31 सीट है, उसके बाद आसनसोल में 31 सीट है, ठीक है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 16 सीट है, ठीक है, उसके बाद संबल में 16 सीट है, बीदर में 16 सीट है, और नूह में 16 सीट है। ये बायोलॉजी की बात हो रही है, बायोलॉजी का इतना इतना सीट है अलग अलग सिटीज़ में, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि टोटल कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो ये चीज़ आप लोग को बड़ा चौंकाने वाला भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। देखिए, एग्ज़ाम में जो अपीयर हुए थे बच्चे वो हुए हैं 320, ठीक है, बहुत ही कम बच्चे अपीयर हुए, बहुत कम, ठीक है, पिछले सालों के मुकाबले देखिएगा आप, बहुत कम बच्चे जो है अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और एब्सेंट जो बच्चे हुए हैं यानी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, इन्होंने फॉर्म भी भरा है, इनका जो है सो फी पेमेंट भी हुआ था और एडमिट कार्ड भी रिलीज हुआ, हॉल टिकट जिसको बोलते हैं, लेकिन ये जो है बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं आए, ये थे 3895। इतने बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। अब ये इतना बच्चे कैसे एबसेंट हो गए, क्योंकि ठीक उसी दिन, ठीक है, ठीक उसी दिन 11 बजे से बिहार में जो है बिहार बीएड का सीईटी बीएड का एग्ज़ाम था, जिसके वजह से इतने ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हो गए, और यही बच्चे, इनमें से बहुत सारे बच्चे लगभग 80-90% बिहार बीएड का फॉर्म भरे होंगे और वो एग्ज़ाम देने बिहार बीएड का चले गए और मानू में एग्ज़ाम देने नहीं आए, इसलिए इतने बच्चे एब्सेंट हो गए। अब इतने बच्चे एब्सेंट हुए तो भीड़ एकदम कम हो गया, नहीं, लगभग 10% से भी बच्चों ने 10% से भी कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, और इसका फ़ायदा उन बच्चों को होगा जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए, ठीक है, उनको भीड़ नहीं, एकदम रश नहीं। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल कितना है, टोटल जो आपका सीट है वो 204 है, और उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 320 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है
तो लगभग जो है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो 64% बच्चों का एडमिशन होना है अगर इन बच्चों में एससी एसटी के बच्चे उस मात्रा में होंगे जिस मात्रा में उनका रिजर्वेशन है, तो 64% बच्चों का एडमिशन हो जाएगा आसानी से। ये इस बार एडमिशन हो जाएगा, इस बार जिसका एडमिशन नहीं हो पाएगा समझिए कि उसका किस्मत ही अच्छा साथ नहीं दे पा रहा है क्योंकि एकदम भीड़ नहीं है। चलिए तो अब हम आगे जानेंगे कि किस किस सेंटर पे कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और किस किस स्टेट में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। लखनऊ में 3 बच्चे लखनऊ में एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद संभल यहाँ भी 3 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, वाराणसी यहाँ 4 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो टोटल यूपी में जो है 10 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया सेंटर्स पे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बिहार में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो बिहार के अलग अलग सेंटर का मैं बताता हूँ आपको। सिवान यहाँ 2 बच्चे एग्ज़ाम देने पहुँचे, उसके बाद पटना में 59 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, और किशनगंज यहाँ जो है 39 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, और दरभंगा में 170 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो टोटल बिहार की बात करें तो बिहार में 270 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है टोटल। उसके बाद और भी अलग अलग जगह के हम लोग जानेंगे। रांची झारखंड में 3 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है टोटल। उसके बाद नूह हरियाणा में 1 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया इंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना यहाँ 13 बच्चों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, दिल्ली एनसीआर में 7 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो टोटल दिल्ली यूटी में 7 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। बीदर कर्नाटक में 4 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, फिर भोपाल यहाँ 1 बच्चे ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया मध्य प्रदेश में, उसके बाद औरंगाबाद यहाँ भी 1 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, इस तरह महाराष्ट्र में टोटल 1 बच्चे एग्ज़ाम दिए इंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद आसनसोल यहाँ 10 बच्चों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, यानी आसनसोल वेस्ट बंगाल में 10 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया। तो टोटल स्टेट वाइज और सेंटर वाइज मैंने आपको बता दिया कि टोटल कितने बच्चों ने किस किस सेंटर पर और किस किस स्टेट से एग्ज़ाम दिया है। अब फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में टोटल कितने बच्चों का नाम आ जाएगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में टोटल 183 बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है ये 183 होगा और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 2-4-5 ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 183 बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है इसे 2-4-5 ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि 183 तक का होगा तो 183 रैंक तक का बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। फर्स्ट लिस्ट में जो 183 बच्चों का नाम आएगा उसमें 183 रैंक तक का हो सकता है, लेकिन इसके बाद के जो रैंक के बच्चों का जो सिलेक्शन होगा, जैसे कि वो एससी कम्युनिटी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, ईडब्ल्यूएस हो, है ना, ये सारा जो स्पेशल कोटा है, उसी तरह एनएसएस है, एनसीसी है, स्पोर्ट्स कोटा है, सीएपी है, ये सारे कोटा से जो एडमिशन होगा, तो इन सारे कोटा से जो बच्चे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे 183 में, तो ये जो होगा ना 183 रैंक के ऊपर जाता जाएगा। इन कैटेगरी में से जितने बच्चों का सिलेक्शन होगा उतना रैंक यहाँ से, रैंक 183 है ना, तो मान लीजिए 10 बच्चे का ऐसे सिलेक्शन हुआ तो 10 कम हो जाएगा उधर से रैंक, ठीक है। तो इस तरह से टोटल लेकिन इंक्लूड होगा 183 बच्चे का ही नाम आएगा फर्स्ट लिस्ट में, इससे ज़्यादा 2-4-5 आ सकता है,
इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ 183 का आएगा तो मतलब 183 से कम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि दरभंगा में कितने रैंक पे एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। दरभंगा में आपका अगर रैंक 38 तक आया है, ठीक है, 38 तक आया है, 38 या उससे कम, तो आपका एडमिशन दरभंगा में हो जाएगा। और लेकिन दो इसके साथ क्राइटेरिया ये है कि आप जो है एग्ज़ाम दिए होंगे बिहार के किसी भी सेंटर पे, बिहार के किसी भी सेंटर पे। और दूसरा क्राइटेरिया है कि आप फर्स्ट चॉइस आपका जो होगा एडमिशन के लिए, ठीक है, वो होगा दरभंगा। तो फर्स्ट चॉइस अगर आपका दरभंगा होगा और रैंक आपका 38 या उससे कम होगा और बिहार के किसी भी सेंटर पे आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपका एडमिशन दरभंगा में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी जो रैंक है उसका भी एडमिशन दरभंगा में हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं ये एक सेफ नंबर बता रहे हैं। और उसके बाद अगर कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी एससी एसटी है ना, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वीमेन, ठीक है, उसके बाद एससी एसटी वीमेन, फिर जो है सो आपका ओबीसी वीमेन, सी ए पी, एनएसएस, एनसीसी, बहुत सारा कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी है ना, पीडब्ल्यूडी, खास के पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी का रैंक 38 नहीं बल्कि 100 भी होगा तो दरभंगा में एडमिशन हो सकता है, अगर उससे पहले के रैंक में कोई पीडब्ल्यूडी नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो, लेकिन 38 रैंक तक का जो है सो आसानी से एडमिशन हो जाएगा दरभंगा में, है ना, इसमें आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी स्पेशल कैटेगरी वाले का इससे ज़्यादा बल्कि इसका दुगना भी रैंक होगा तो भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको बताया, आई थिंक कि ये जो है वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों का कन्फ्यूज़न दूर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।